देखिए, अगर आपको बिना इनकम प्रूफ के लोन लेना है तो भाई आपने सही वीडियो पे क्लिक किया, लेकिन वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम प्रूफ के बारे में बात करेंगे। मैं सैंपल से आ चुका हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन पे आने के बाद सैंपल से मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक कर देना चाहूंगा और आप यहाँ पे स्टार्टिंग देख लीजिएगा। मैंने सबसे पहला लोन लिया था यहाँ पर देखेंगे 500 रुपये का, जिसमें कि 448 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आए थे। दूसरा लोन लिया मैंने यहाँ पे 1500 रुपये का, जिसमें यहाँ पे 1347 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आए। इस तरीके से मैंने कई सारे लोन को यहाँ पे लिया हुआ। फिलहाल देखेंगे करंट टाइम के बारे में बात करूँ, मैंने अभी 6 तारीख को, यानी कि देखेंगे आप यहाँ पे 6 अगस्त को मैंने एक लोन लिया हुआ था 8000 रुपये का, जिसमें कि 7175 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आए थे। तो आप देखेंगे ना, एक महीने के अंदर मैंने कई बार लोन लिया और कई बार टाइम से रीपेमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट क्या होगा कि भाई अब मुझे कितने का लोन मिल सकता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिखाऊंगा, जहाँ पर आप देखेंगे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लगेगा। फिर इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपको यहाँ पे लोन लेने की स्टार्टिंग करनी तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। सैंपल से आने के बाद यहाँ लोन्स पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने लोन्स पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले 500 रुपये से स्टार्टिंग हुई, 1000 रुपये हो, 1500 रुपये, 2500, 4000, 6000, 8000, 10000, फाइनली आज मेरे को यहाँ पे 12500 रुपये का अप्रूवल आया हुआ कि भाई आप 12500 रुपये का लोन यहाँ पे ले सकते हो, जिसके लिए कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कह नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे आपके सामने करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे लोन का अमाउंट, मतलब मैंने यहाँ पे 12500 रुपये सेलेक्ट कर लिया है। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इस लोन अमाउंट को आप कितने समय के लिए लेना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 62 दिन के लिए, या फिर आप यहाँ पे 120 दिन के लिए, फिर यहाँ पे 180 दिन के लिए, जितने समय तक के लिए आप इस लोन को लेना चाहते हो आप सिंपल से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सिंपल से आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, जैसे अगर आप यहाँ पे लोन ले रहे हो तो उस लोन के बारे में जानकारी समझ लो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर 12500 रुपये का लोन ले रहा हूँ, अगले 62 दिन तक के लिए लोन ले रहा हूँ, तो प्रोसेसिंग फीस प्लस GST मुझे यहाँ पर 1161 रुपये पे करनी पड़ेगी। 12500 रुपये का अगर मैं लोन अप्लाई करता हूँ तो 11439 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे और जो इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा वो 844 रुपये करना पड़ेगा। टोटल जब इनको अमाउंट में वापस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 13344 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा। ओवरऑल देखेंगे 11500 रुपये करीब मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, करीब 13500 रुपये मैं इनको वापस करूंगा। इस तरीके से देखेंगे करीब करीब 2000 मुझे ये लोन महंगा पड़ेगा। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे व्यू लोन डिटेल पे क्लिक करके अपने यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ों को देख सकते हो, कब आपको पेमेंट वगैरह करनी है या फिर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। फिलहाल मेरे सैंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना आपका बैंक अकाउंट पहले से अगर ऐड है तो ठीक है, नहीं आप चाहते यहाँ पे अपना नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद सैंपल से आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपके सामने यहाँ पे लोन एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। सैंपल से आपको यहाँ पे सारी जानकारी रहेगी, आप कितने का लोन ले रहे हो, क्या इंटरेस्ट, क्या चार्जेस, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिंपल से आपको यहाँ पे आ जाना है, टर्म कंडीशन पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फाइनली यहाँ पे देखेंगे जो आपका लोन का अमाउंट था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और आपको यहाँ बताया गया भाई अगले 12 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हालांकि अभी तक आपने यहाँ पे देखा होगा कम से कम मैं 7 से 8 बार लोन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 1 से 2 घंटा लगा, नहीं भाई कई बार तो मैंने ऐसा देखा हुआ है। जैसे अभी देख लीजिए, अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना ही रहा हूँ ना, मैंने सिर्फ 2-3 शब्द बोला ही होगा, ज्यादा 2 मिनट हुआ होगा या 1 मिनट मुश्किल से हुआ और यहाँ पे देखिए 11439 रुपये बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हो चुके हैं। और अगर आप चाहो तो अपने बैंक अकाउंट में जाकर पासबुक में जाकर एंट्री को चेक करोगे तो आपको ये भी एंट्री देखने को मिल जाएगी। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, कई बार तो आपको 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही मिल जाता है, कई बार बहुत ज्यादा टाइम लगा तो ज्यादा 2 घंटे का ही टाइम लगता है। तो सबसे प्लस पॉइंट आपको ये देखने को मिला। मैं यहाँ पे सिंपल सा कंफर्म रिसिप्ट ऑफ लोन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे 13344 रुपये मुझे टोटल पे करना है। जो मेरे ड्यू डेट रहेगी, अभी अगस्त चल रहा है फर्स्ट, मतलब जो अगस्त चल रहा है बात करूँ यहाँ पे 9 अगस्त है और यहाँ पे देखेंगे कि 9 सितंबर को पहली EMI मुझे पे करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ से लोन लेना है तो आप अपनी शुरुआत कैसे करेंगे। जैसे मैंने 500 रुपये शुरुआत किया था, आज 12500 रुपये तक का मैं लोन 1-2 महीने के अंदर में ले पा रहा हूँ बिना इनकम प्रूफ के। हो सकता है 1-2 महीने के बाद यहाँ पे मैं 25-30 हज़ार रुपये उससे ज्यादा का भी लोन ले पाऊंगा। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। फाइनली देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। सैंपल्स में इसको ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद सैंपल्स हम नीचे की तरफ जाएंगे, आप चाहे इसे हिंदी में यूज कर सकते हो, चाहे तो आप इसको इंग्लिश में यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर बताया जाता है कि भाई साहब 6 मिलियन प्लस लोगों ने इसको लाइक कर रखा है, लोन यहाँ से लोगों ने ले रखा है। तो फिलहाल हम भी लोन लेने के लिए आए हुए हैं, अब थोड़ी देर आपको यहाँ पर वेट करने की जरूरत है। इसके जज्बा देखेंगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना। फिलहाल मैं चलिए मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। इसके जज्बा सिंपल आपको नीचे की तरफ आना और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का एक कोड आएगा, उसको यहाँ पे इंटर करना है। फिलहाल यहाँ पे जो कोड आया इसने ऑटोमेटिक रीड कर लिया है और रीड करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आ जाते हैं गेट ये लोन विद इन मिनट, मतलब कुछ ही मिनट में आप यहाँ से लोन ले सकते हो। फिलहाल मैं सैंपल से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अलाउ परमिशन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे वन टाइम यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो परमिशन मांगी जा रही है आपको उसको यहाँ पे अलाउ करना है। अभी देखेंगे यहाँ पे वर्किंग का आ रहा और करीब करीब मेरे को यहाँ पे 1 मिनट से ज्यादा हो गया वेट करते हुए, देखते हैं इसके आगे क्या प्रोसेस दिखाया जाता है। फाइनली दोस्तों 2 मिनट तक का वेट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि भाई आपको अपना पैन कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी,
पड़ेगी, सेल्फी देनी पड़ेगी और इनकम डिटेल भी देनी पड़ेगी। अब हमारे पास ऐसा है भाई कि इनकम तो कुछ है नहीं, कोई डिटेल भी नहीं है, कोई इनकम की सैलरी स्लिप या ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं सिंपल सभी कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, आगे चलकर देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है और क्या चीज़ हमें यहाँ पर फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, मैं पैन कार्ड का नंबर इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर टर्म कंडीशन का एक बॉक्स दिखाया जा रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद सेम वही पेज दोबारा आ चुका, सिंपल दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे जो भी आपने पैन कार्ड का नंबर डाला था, पैन कार्ड में आपके जो भी नाम है वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। इसके बाद सिंपल से यहाँ पर यस सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिया गया उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद सिंपल से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर बोला जाता है कि भाई कैप्चर सेल्फी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। सिंपल से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सेल्फी ले लिया है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपकी सेल्फी सही नहीं आती ना, आप इसको रीटेक कर सकते हैं। फिलहाल सेल्फी मेरे को ठीक ठाक से लग रही है, सैंपल्स में सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें आपका नाम हो गया, जेंडर हो गया, आपका एड्रेस वगैरह हो गया, सिटी वगैरह हो गया, और यहाँ पर देखेंगे आपकी ईमेल आईडी होगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत है। इसमें से कुछ चीजें आपकी ऑलरेडी पहले आधार कार्ड वगैरह से ले ली गई है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है योर करंट एड्रेस, मतलब जो आप अभी एड्रेस दिखा रहे हो इसी पे आप करंट टाइम में रहते हो। अगर रहते हो सैंपल यस पे क्लिक करो, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके अपना सेकेंडरी एड्रेस भी फिलअप कर सकते हो। जैसे अगर मैंने नो पे क्लिक किया तब मुझसे पूछा था भाई कि आपका जो करंट एड्रेस है आप वो डाल दो। हो सकता है कि आप यूपी बिहार कहीं और से हो और करंट टाइम में कहीं और रह रहे हो, करंट टाइम में कहीं और रहे तो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिलहाल हम जो एड्रेस मेरा आधार कार्ड का, यानी जो एड्रेस हमारे पास है उसी एड्रेस हम लोग रहते हैं, इसलिए सिंपल हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पूछा था कि भाई साहब आप कोई पॉलिटिकल मतलब पर्सन हो क्या, तो आप है वो तो यस करना, नहीं तो सिंपल आप नो पे रहने देना। इसके बाद यहाँ पर अपने एक पर्सनल ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर टर्म कंडीशन का एक बॉक्स मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो आप देखेंगे यहाँ पर आपसे इनकम डिटेल मांगी जाएगी। सिंपल से मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे इनकम के लिए कई सारे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। देखिए सैलरी पूछा जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड पूछा जा रहा है या अनएम्प्लॉयड पूछा जा रहा है। अनएम्प्लॉयड मतलब ये हो गया भाई आप कुछ भी नहीं करते, सैलरी मतलब हो गया कि आप कहीं जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये हो गया कि भाई आप अपना कोई बिजनेस करते हो। अब इन तीनों में से दो मतलब सैलरी और बिजनेस तो दोनों हटा ही दो। अनएम्प्लॉयड अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो भाई ये सब डायरेक्टली लोन रिजेक्ट कर देंगे, इनको पता चल जाएगा कि भाई कि ये भैया कुछ कमाते धमाते था नहीं, फिर लोन कहाँ से पैसा वापस देंगे, तो इसको भी क्लिक करना सही नहीं है। फिलहाल अगर मैं अदर पे देखूँ कुछ ऑप्शन है, अदर पे भी कोई ऑप्शन नहीं, अदर का मतलब भी साला कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो एक काम करता हूँ मैं हल्का इसको बैक करता हूँ, उतरी तो बैक क्या ज़्यादा ही हो गया यार। चलो इसको अगर ऐसी गलती अगर मेरे से हो गई तुमसे भी हो सकती है। तो सिंपल से हम कंटिन्यू एप्लीकेशन दोबारा क्लिक कर लेंगे, दोबारा सेम उसी चीज पर आ चुके हैं करंट इनकम पे। देखिए अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, या तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करूँ। अगर मान लीजिए मैं ये मान चलता हूँ कि मैं अपने वाइफ का इनकम दिखाना चाहता हूँ, घर में सिलाई वलाई का काम करते हैं, तो भाई मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर डाल दूंगा। अगर कोई लड़का कोई बंदा ऐसा है जो भाई हो सकता है कि दुकान पे कोई काम वाम कर रहा हो तो अपना यहाँ पर वो अपना सैलरी वगैरह डाल सकता है, दुकान का नाम डाल देगा। फिलहाल इस तीनों में से मैं क्या सेलेक्ट करूँ मेरा खुद समझ नहीं आ रहा। अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट नहीं कर सकता, सैलरी कुछ मतलब नहीं, कोई जॉब करती नहीं है, बिजनेस का कोई मतलब नहीं है, अदर सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ। और यार सैलरी डालने के बाद ये भी देखना जरूरी है कोई ऐसा ना इनकम प्रूफ मांगा जाए। फिलहाल देखिए मेरे पास है नहीं कुछ भी, मैं डाल इसलिए रहा हूँ ताकि ये लोन शायद अप्लाई हो जाए। अगर आपको लगता है आपके पास सैलरी तो आप डाल लीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयर तो डाल लीजिएगा, अगर अनएम्प्लॉयड डालना है तो लोन अप्लाई करने कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो फिलहाल मैंने सैलरी डाल लिया, मंथली इनकम पूछी जा रही कितनी मंथली इनकम होती है, तो भाई कितनी मान लें तो चलो मैं 10,000 रुपये से लेकर 20,000 के बीच में डाल रहा हूँ। हालांकि ये डाल इसलिए रहा हूँ ताकि लोन का अमाउंट क्या पता अप्रूव हो जाए, और हो सकता है कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस से मिलता है कि नहीं मिलता है, एक रियलिटी पता चल जाएगी हमें। सिंपल से मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और क्या बताया जा रहा है, अच्छा ये ठीक है। यहाँ पे देखिए माई लोन दिखाया जा रहा है, यहाँ बताया गया कि सेंड योर लोन, मतलब आपका जो लोन का अमाउंट रहेगा इस बैंक में भेजा जाएगा। मुझे डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो भाई सैलरी अकाउंट मांगने लग जाए। जब बता रहे हो कि आपके पैसे आते हैं तो जिस बैंक में आते उसका डिटेल डालो, यहां पर वो चीज नहीं बोला गया, बल्कि ये बोला गया कि भाई ऐसा अकाउंट है जिसमें आपका जो लोन का अमाउंट है पैसा आ जाए। मैं सिंपल से यहां पे बैंक का नाम सर्च कर लेता हूं, इनके पास एक बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, और यहां पे अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूं। सो दोस्तों यहां पर मैंने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लिया और अकाउंट नंबर एंटर कर दिया, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। देखिए एक टेंशन तो मेरे खुद को भी हो रही है कि पता नहीं लोन मिले या ना मिले, वो एक मैटर तो अलग है, कम से कम मैं सोच रहा हूं पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ताकि मैं आपको, हां ठीक है भाई। सो दोस्तों आप लोग यहां पे ध्यान से देख लीजिए, स्वाइप एंड टैप टू सेलेक्ट ये लोन अमाउंट, यहां से मतलब क्लिक करके आप अपने लोन के अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, यहां पर मैं 500 रुपए का ही लोन मुझे दिया गया है, तो इसमें सेलेक्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। मिनिमम यानी कि आपको यहां पे 500 रुपए मिल सकता है, मैक्सिमम आपको यहां पे 1,00,000 रुपए तक मिल सकता है। सिविल जैसे मैंने बताया, सिविल मान चलिए कि ना के बराबर कोई सिविल नहीं है, एक तरह से यही मान चलना पड़ेगा आपको। और जैसे मैंने बताया कि इनकम प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको आगे अप्लाई करने के बाद पता नहीं इनकम प्रूफ मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता, लेकिन मैं अप्लाई करके पूरा कंप्लीट जरूर बताऊंगा। कई बार लोग क्या करते हैं एंड टाइम पे लाके बोल दें मुझे लोन की जरूरत नहीं है, इसके आगे मैं लोन के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम जो
होती है वो यहीं से शुरू होती है कि पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, इनकम प्रूफ मांगे जाएगा या अभी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। फिलहाल 500 रुपये का लोन मिल रहा है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर 500 रुपये का एक बार लोन मिल गया, अगर मैंने उसको ले लिया, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम अगर मैंने 500 रुपये का जो पेमेंट है उनको टाइम से पेमेंट वापस कर दिया लोन का अमाउंट, तो अगली बार मुझे इतना उम्मीद है कि मुझे बड़ा अमाउंट भी यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि जब तो मेरा ट्रस्ट बन जाएगा। तो फिलहाल मैं सिंपल से क्या करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। और जब आप लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना, प्लीज़ बताना जरूर कि आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट कितना दिया जा रहा है। हो सकता जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 500 ही मिले, हो सकता है आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 तो मिल जाए। इससे पहले मैंने शायद अपने किसी फैमिली मेंबर का लोन यहाँ पे अप्लाई किया था, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिल गया था। फिलहाल मैं सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे बताया गया कि भाई 500 रुपये का ही मिलेगा। अगर यही अमाउंट ज़्यादा होता तो यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके आप इस अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पे देखें सेलेक्ट लोन टर्म का ऑप्शन मिल जाएगा कि इस लोन को आप कितने समय बाद वापस करना चाहते हो। पहला ऑप्शन है आप 31 दिन में इनको वापस कर दो, जिसके लिए आपको यहाँ पे 518 रुपये यानी 18 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। वही अगर आप चाहो तो इसे 2 महीने में यानी करीब करीब 62 दिन में भी इसको वापस कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी 534 रुपये करनी पड़ेगी। फिलहाल एक छोटा सा ही अमाउंट है, मैं इसको यहाँ पे 31 दिन सेलेक्ट करता हूँ। इससे मेरा मेन फायदा ये रहेगा कि जल्दी पैसा वापस करके दोबारा जरूरत पड़ेगी तो बड़ा लोन का अमाउंट यहाँ से ले लूंगा मैं। तो फिलहाल यहाँ बताया गया भाई प्रोसेसिंग फीस प्लस GST 52 रुपये हो जाती है और यहाँ पे इंटरेस्ट 18 रुपये बन जाता है। टोटल 518 रुपये आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी और 448 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। मोटा मोटा अगर आप देखेंगे करीब करीब ये 70 रुपये आपको यहाँ पे महंगा पड़ जाएगा, लगभग 70 रुपये के आसपास का। तो फिलहाल मैं सिंपल से यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए सिंपल से आप यहाँ पे व्यू लोन डिटेल पे क्लिक करके इसके बारे में और भी जानकारी वो ले सकते हैं, जो कि मैंने अभी पहले आपको शेयर कर ही दिया है। फिलहाल मैं सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखेंगे जो बैंक की डिटेल मैंने डाली हुई, मतलब जिस बैंक में मुझे पैसे को लेना वो डिटेल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सिंपल से यहाँ मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि यहाँ पर एक लोन एग्रीमेंट आ जाता है, मतलब इस लोन के बारे में आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, कितने का लोन आपने ले रखा है, कितना इस पर GST लग रही है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लग रही है, कितना आपके बैंक अकाउंट में आएगा, कितना आपको देने की जरूरत है, और अगर आपने पैसा वापस नहीं मतलब टाइम से नहीं किया तो क्या चार्जेस लगेंगे। इस तरीके की सारी जानकारी आपको इसी एग्रीमेंट में देखने को मिल जाएगी। कहीं किसी से जाकर पूछना तेल लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं आना यहीं पढ़ लेना और इसी हिसाब से अपना समझदारी से पैसे को वापस कर देना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे फाइनली बताए थैंक यू फॉर अप्लाई ये लोन, और यहाँ पर क्लियरली मैंशन कर दिया गया कि भाई कि अगले 12 घंटे में, यहाँ ध्यान देखिए अगले 12 घंटे में ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे व्यू लोन डिटेल एंड शेड्यूल पे क्लिक करके आप यहाँ पे शेड्यूल भी देख सकते हो कि भाई आपका मतलब जो पेमेंट है वो कब कैसे डेबिट वगैरह होगा। जैसे यहाँ दिखाया गया, अगर मैं अभी बात करूँ आपका यहाँ पे 11 जून 2024 है और यहाँ बताया गया 12 तारीख 7वां महीने 2024 में 518 रुपये आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पे इनवॉल ऑटो डेबिट पे क्लिक करके, अगर मान लीजिए कई सारी EMI है आपकी, मान लीजिए 5-6 EMI आपने कर रखी है, तो यहाँ पे ऑटो डेबिट भी सेट कर सकते हो। इससे क्या है हर महीने ऑटोमेटिक आपका पैसा कटता चला जाएगा। उसको भी ध्यान रखिए, उसको करने का तरीका क्या होता है आपको समझ लीजिएगा। आप अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड में से किसी एक का चॉइस करके उसको डिटेल डाल के वेरीफाई कर सकते हो। फिलहाल एक ही किस्त है, एक किस्त के लिए मैं ऑटो डेबिट सेट करूँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, एक किस्त में वैसे ही भर दूंगा। फिलहाल यहाँ से मैं सिंपल सा बैक कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे जो लोन का अमाउंट आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करा हुआ है। और सबसे प्लस पॉइंट मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि मैं एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करके दिखा पाया। अगर ये एप्लीकेशन मैं कंप्लीट कर नहीं दिखा पाता ना तो मुझे खुद को भी तकलीफ होती है यार कि मैं एक इंक्वायरी भी लगवा ले रहा हूँ उसके साथ साथ मैं अपनी वीडियो कंप्लीट बना के दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पे बढ़ के क्लियर आपके सामने कर रहा हूँ। कुछ लोग शायद अभी भी ज्ञानी लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इनकम प्रूफ, तो इनकम प्रूफ नहीं मांगा, अगर इनकम प्रूफ दे पाता ना तो 500 रुपये का लोन नहीं मिलता, कम से कम 50,000 रुपये का लोन मिलता। तो फिलहाल देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सिंपल से मैं होम पे आ जाता हूँ, होम पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे व्यू लोन डिटेल पे क्लिक करके आप अपने लोन की डिटेल वगैरह देख पाएंगे। जब भी मर्जी के तब दोबारा आकर देख चेक कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे फाइनली यहाँ पे अभी मैं वीडियो बना ही रहा था, वीडियो बनाते बनाते मैंने देखा योर मनी बैंक मतलब डिपॉजिट मतलब आपके बैंक अकाउंट में इस पैसे को यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया गया, 448 रुपये बैंक अकाउंट में आ चुका है। फिलहाल यहाँ पे कंफर्म रिसिप्ट लोन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे हमसे रेटिंग वगैरह मांगा जा रहा है, तो भाई ओके की रिपोर्ट है भाई। इस एप्लीकेशन को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ क्योंकि पैसे जो भी है आपके अकाउंट में आपके सामने मतलब शायद सोता मेरे को लगता है 2-3 मिनट का टाइम लगा फाइनल यहाँ पे मैंने जैसे सबमिट किया 2 मिनट बाद पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों जैसे अगर आपको लोन का पेमेंट वापस करना है ना वो भी मैं बता देता हूँ। मैं के रीपेमेंट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद देखेंगे जो भी आपका अमाउंट है अमाउंट आपको देखने मिल जाएगा। सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे ना कि अब यहाँ से हमें पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल चुका है, फोन पे गूगल पे पेटीएम या जिसके माध्यम चाहो जो पेमेंट आपको 518 रुपये यानी जितना भी आपको अमाउंट पे करने की जरूरत पड़ेगी जो आपने लोन ले रखा है वो आप यहीं से पेमेंट भी वापस कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप ब्रांच एप्लीकेशन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। फिलहाल जाइएगा आपको लोन कितना मिलता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा और इस बात के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।
कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।